हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे प्रोग्राम कंट्रोल आयो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा था कि कैसे एज अ इंटरफेस आयो इंटरफेस जो है काम करता है सीपीयू और आयो डिवाइसेस के बीच में। आज हम क्या करने जा रहे हैं, इस डायग्राम के बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कि किस वे से ये एक्चुअल में काम करता है। अगर हम किसी एग्जाम्पल से समझे तो वो कैसे क्रिएट कर सकता है या कैसे डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। For example, the sequence of the event which take place to transfer a word from a device, the memory are. वो क्या कह रहा है कि for example the sequence, अब यहाँ पर हम एक example ले रहे हैं किसी sequence of event के लिए, जिसमें क्या होगा, हम एक word को transfer करेंगे एक place से किसी दूसरे device तक, मतलब किसी device से किसी memory तक। memory जो हमारी primary memory, secondary memory, कोई भी memory हो सकती है। then किसी ना किसी device से, suppose करो कि हमने क्या करा, mouse के click event से हमने कंप्यूटर सिस्टम पे एक फाइल को सेव किया, तो वो फाइल क्या होगी, फाइल को इनपुट मिला है कि वो सेव हो जाए जाकर मेमोरी में। और फाइल मेमोरी में सेव होनी है, कौन सी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि परमानेंट स्टोरेज तो सेकेंडरी मेमोरी में होता है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रही है। मतलब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट डिवाइस से उसको इनपुट मिल रहा है कि फाइल जो है सेव हो जाए सेकेंडरी मेमोरी में। सेम ऐसे में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक वर्ड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किसी ना किसी डिवाइस से लेकर मेमोरी तक। तो चलिए इस एग्जाम्पल देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि आयो इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इन अ सीपीयू। जो आयो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आयो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इनपुट आउटपुट के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन मिलती है किसी भी डिवाइस को या किसी भी डेटा को, कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही है थ्रू द आयो डिवाइसेस, उसको हम क्या कहेंगे, आयो इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इन सीपीयू। सीपीयू में जिस भी तरह का प्रोग्राम राइट किया गया है आयो इंटरफेस की इंस्ट्रक्शन के लिए, वो उसी वे से एग्जीक्यूट होगी। एंड आयो इंस्ट्रक्शन इज एनकाउंटर इन द प्रोग्राम विद एग्जीक्यूटेड। अब क्या कह रहा है कि जो आयो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर होगी, एनकाउंटर मीन्स एग्जीक्यूशन में अब आने वाली है। वो एनकाउंटर हो चुकी है, मतलब जहां पर वो प्लेस थी, कहीं पर भी मेमोरी में या कहीं पर स्टोर थी, वहां से एनकाउंटर हो चुकी है, वहां से जा चुकी है। इन द प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड द सीपीयू सेट द डिवाइस एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। अब सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस को सेंड करेगा, किसमें, किसके थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू। एंड कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड, और कमांड देगा कि जो आपको एड्रेस मिला है इसको एग्जीक्यूट कर दो। अब यहाँ पर सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू एड्रेस बस के थ्रू या एड्रेस बस में एक एड्रेस सेंड कर रहा है मेमोरी को या आयो डिवाइसेस को क्या करने के लिए, और साथ में उसको कमांड दे रहा है कि इस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको एग्जीक्यूट कर दो, नेमली रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन द डेटा बस। अब रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है वो किस पे है, डेटा बस पे। एड्रेस तो एड्रेस बस के थ्रू चला गया, देन जो ओप कोड है या जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंस्ट्रक्शन, वो किसके थ्रू गई है, डेटा बस के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है कि एड्रेस डिकोडर। लास्ट आपको डायग्राम याद होगा, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने डायग्राम किया था, जिसके अंदर आयो इंटरफेस में सबसे फर्स्ट एलिमेंट ही क्या था या फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, एड्रेस डिकोडर। एड्रेस डिकोडर का काम क्या था, एड्रेस जो आ रहा है सीपीयू के पास से उसको डिकोड करना, राइट। द एड्रेस डिकोडर इन द आयो इंटरफेस डिकोड द एड्रेस ऑफ द डिजायर आयो डिवाइसेस। अब सीपीयू की तरफ से जो भी एड्रेस आ रहा है, जो आयो इंटरफेस है उसके अंदर एक एड्रेस डिकोडर है, तो एड्रेस डिकोडर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है एड्रेस को जो कहाँ से आया है, सीपीयू के पास से आया है, और उसको जाना कहाँ पे है, आयो डिवाइसेस के पास। थर्ड वाला क्या है पॉइंट कि आयो डिवाइसेस एंड आयो इंटरफेस यूज द हैंडशेकिंग मेथड फॉर द डेटा ट्रांसफर। अब ये तो बात हुई कि सीपीयू के पास से डेटा आया, कैसे आया, एड्रेस बस में, तो एड्रेस बस में तो एड्रेस था और डेटा बस में जो भी हमें इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी थी वो थी। ये किसके पास गई, ये आयो इंटरफेस के पास गई। आयो इंटरफेस में एक एड्रेस डिकोडर था जिसने एड्रेस को डिकोड किया। देन अब ये डेटा कहाँ पर जा रहा है, ये डेटा आयो डिवाइसेस के पास जा रहा है, किसके थ्रू। अब यहाँ पर ये तो बात थी कि डेटा ट्रांसफर हुआ सबसे पहले सीपीयू और सीपीयू के बीच में, और किसके बीच में, आयो इंटरफेस के बीच में। आयो इंटरफेस तक डेटा कैसे गया, आपको पता चल गया, सबसे पहले एड्रेस बस में एड्रेस गई और डेटा बस में डेटा गया जो इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करना था। किसके पास गया वो डेटा, आयो इंस्ट्रक्शन के पास या आयो इंटरफेस के पास। अब आयो इंटरफेस जो है मीडिएटर काम कर रहा है सीपीयू और किसके बीच में, आयो डिवाइसेस के बीच में, है ना। आयो डिवाइसेस और सीपीयू के बीच में आयो इंटरफेस है। सबसे पहले डेटा सीपीयू से किसके पास जाएगा, आयो के पास से आयो इंटरफेस के पास। देन आयो इंटरफेस क्या करेगा, उसको सेंड करेगा आगे आयो डिवाइसेस के पास, किसके थ्रू। अब आयो डिवाइसेस और आयो इंटरफेस में क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हैंडशेकिंग मेथड का यूज होता है। अब हैंडशेकिंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले अगर
कोई टू पर्सन है, उनको हैंडशेक करना है, तो हैंडशेक कैसे करेंगे? सबसे पहले कोई एक पर्सन हाथ आगे करेगा हैंडशेक करने के लिए, फिर उसको देख के दूसरे वाला पर्सन हाथ आगे करेगा कि सामने वाले ने क्या करा है, रिक्वेस्ट किया हैंडशेकिंग के लिए, फिर सेकंड पर्सन क्या करेगा, अपना हाथ देगा ताकि वो हैंडशेक कर सके। जैसे वो हैंडशेक होगा, डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, देखो आईओ डिवाइसेस तक आईओ इंटरफेस ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की कि आपके पास जो है डेटा आ रहा है। अगर आईओ डिवाइसेस ने एक्नॉलेजमेंट दे दी कि हाँ आप डेटा को सेंड कर सकते हो, तो ये डेटा सेंड कर देगा, आईओ इंटरफेस नहीं दी तो नहीं करेगा। तो ये हैंडशेकिंग मेथड है। अगर यहाँ पर डेटा शेयर हो गया, डेटा शेयर होने के बाद भी वो क्या करेंगे, डेटा शेयर होने के बाद टर्मिनेट भी तो करना पड़ेगा ना कनेक्शन को, नहीं तो उस कनेक्शन को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हम हैंडशेकिंग मेथड कहते हैं कि डेटा को ट्रांसफर करने से पहले आईओ इंटरफेस आईओ डिवाइसेस से पूछता है, परमिशन लेता है या ऐसे रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हम क्या आपको डेटा सेंड कर सकते हैं, या रीड राइट का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्या हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इसको हम हैंडशेकिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि द इंटरफेस यूनिट कमांड टू द कंसर्न डिवाइस कंट्रोलर टू द असेंबलर अ वर्ड इन द इंटरफेस डेटा रजिस्टर एट द सेम टाइम सेट द फ्लैग बिट टू द रजिस्टर स्टेटस रजिस्टर एज द जीरो एज सून द डेटा इज रेडी फॉर द डेटा रजिस्टर एंड इंटरफेस इनेबिलिटी। इस पैराग्राफ में वो क्या कहना चाह रहा है, अगर आपको लास्ट डायग्राम याद हो तो उसके अंदर हमने 3 से 4 कंपोनेंट्स देखे थे आईओ इंटरफेस में। सबसे पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट आता है आईओ इंटरफेस में वो कौन सा एलिमेंट है, एड्रेस डिकोडर, राइट, एड्रेस डिकोडर है। देन उसके बाद क्या आता है, डेटा रजिस्टर, राइट, उससे नेक्स्ट लास्ट में क्या आता है, स्टेटस बिट रजिस्टर आता है जिसके साथ एक फ्लैग बिट भी लगाई जाती है जिससे हमें ये पता लगे कि आईओ डिवाइस का स्टेटस क्या है। अगर जीरो है देन हमें डेटा सेंड नहीं कर सकते, अगर स्टेटस 1 है तो हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। यही इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा। एक बार सीपीयू के पास डेटा आ गया आईओ इंटरफेस के पास, तो आईओ इंटरफेस में डेटा कहाँ पे स्टोर है, डेटा कहाँ स्टोर है, डेटा रजिस्टर में, और एड्रेस कहाँ स्टोर है, एड्रेस डिकोडर में। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि द सीपीयू में कंटिन्यू इंटेरोगेट द स्टेटस, ये मॉनिटरिंग द स्टेटस एट द वेटिंग लूप। अब वो क्या करेगा, स्टेटस रजिस्टर का स्टेटस लगातार चेक करता रहेगा। अब यहाँ पर सीपीयू क्या करेगा, कंटिन्यू मॉनिटर करता रहेगा उस स्टेटस बिट को या स्टेटस बिट रजिस्टर को, जिससे उसको ये पता लगे कि जैसे ही बिट 1 होगी तो वो अपने डेटा को क्या करेगा, सेंड कर देगा आईओ डिवाइसेस तक, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग अ वर्ड, जैसे ही सीपीयू ने स्टेटस बिट 1 मिल गया, उसने अपने वर्ड को रीड कर लिया जो भी उसने वर्ड रीड करना था फ्रॉम द डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर में जो आईओ डिवाइसेस या आईओ इंटरफेस का एक कंपोनेंट है, देन द फ्लैग बिट इज क्लियर टू बी 0। जैसे ही सीपीयू जो है फ्लैग बिट से देखा उसने कि डेटा है या फ्लैग बिट 1 है, तो उसने फटाफट से जाकर क्या कर लिया, डेटा रजिस्टर में जो भी डेटा पड़ा था उसको रीड करना था, रीड कर लिया, जो भी वर्ड रीड करना था। रीड करने के बाद जैसे ही उसका काम खत्म होगा रीड करने का, तो क्या होगा, फ्लैग बिट का जो स्टेटस रजिस्टर था वो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, कि अभी वो क्या है, बिजी है, अभी कोई और डेटा या कोई और सीपीयू का जो भी रिक्वेस्ट है, प्रोसेस है, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती क्योंकि अभी काम चल रहा है, डेटा रजिस्टर में जो डेटा पड़ा है उसको सीपीयू रीड कर रहा है। वंस द फ्लैग बिट इज क्लियर, एक बार अगर फ्लैग बिट क्लियर हो जाती है, मीन्स 0 हो जाती है, द डिवाइस कैन देन ट्रांसफर द नेक्स्ट बिट, तब डिवाइस अपने नेक्स्ट बिट को ट्रांसफर कर देगा। अगर इसका हम एक छोटा सा बेस समझें कि इसके अंदर पूरे पैराग्राफ में एग्जाम्पल में हमने क्या समझा है, तो क्या होगा, अब हम वापस चलते हैं अपने डायग्राम पे। एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने 1 by 1 ईच एंड एवरी स्टेप को इस डायग्राम में क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को चेक करें और उसको ध्यान से समझें, जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू क्या कर रहा है, एड्रेस बस के अंदर एड्रेस दे रहा है उस वर्ड का जिसको आपको रीड करना है। डेटा बस के थ्रू वो क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को बता रहा है कि क्या आप डेटा को राइट करना चाहते हो या रीड करना चाहते हो, राइट। रीड एंड राइट का जो भी फ्लैग होगा वो 1 हो जाएगा। अगर आपने रीड करना है तो रीड का फ्लैग बिट हो जाएगा, अगर राइट करना है तो राइट का फ्लैग बिट 1 हो जाएगा। अब यहां से जो सीपीयू ने एड्रेस भेजा है वो किसके पास गया, आईओ इंटरफेस में एड्रेस डिकोडर के पास गया। अब एड्रेस डिकोडर ने उस एड्रेस को डिकोड कर लिया। नेक्स्ट जो डेटा था वो किसके अंदर सेव हो गया, डेटा रजिस्टर में, और एड्रेस सेव हो गया एड्रेस डिकोडर में। यहाँ पर स्टेटस बिट रजिस्टर है, स्टेटस रजिस्टर और फ्लैग बिट है। जैसे ही यहाँ पर बिट 1 होगी आप नेक्स्ट डेटा को सेंड कर सकते हो, जैसे ही यहाँ पर बिट 0 हो जाएगी नेक्स्ट डेटा सेंड अभी नहीं हो सकता। अब ये तो बात हुई स्टेटस चेक करने की, सीपीयू जो है कंटिन्यू इसको मॉनिटर करता है इस स्टेटस रजिस्टर को कि क्या ये 1 है, 1 है, जब तक 1 नहीं होता मॉनिटर करता रहेगा,
जब तक सीपीयू का काम नहीं होगा वो उसको चेक करता रहेगा, वन हुआ नहीं हुआ, वन हुआ या नहीं हुआ। देन अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा कि एड्रेस जो भी गया था एड्रेस बस में वो किसके पास चला गया, एड्रेस डिकोडर के पास, और डेटा बस में जो रजिस्टर था वो किस में चला गया, डेटा रजिस्टर में। ये तो बात हुई सिर्फ सीपीयू से लेकर आईओ इंटरफेस तक की। आईओ इंटरफेस तक डेटा कैसे ट्रांसफर हुआ सीपीयू में, या सीपीयू से कैसे कन्वर्सेशन हुई आईओ डिवाइसेस की। अब चलते हैं इसे नेक्स्ट फेज पे, जहां पर हम आईओ इंस्ट्रक्शंस, आईओ इंटरफेस और आईओ डिवाइसेस के बीच की बात करेंगे। जब कभी भी आईओ इंटरफेस और आईओ डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं तो वो साथ में एक हैंडशेकिंग मेथड का यूज करते हैं कन्वर्सेशन या ट्रांसफर करने से पहले। सबसे पहले यहाँ पर बस रिक्वेस्ट गई, अगर तो वो एक्नॉलेजमेंट आ गई बस रिक्वेस्ट के थ्रू, यहाँ से बस रिक्वेस्ट गई, ये थी रिक्वेस्ट। अगर इसने ग्रांट कर दी, आईओ डिवाइसेस ने बस की रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया, देन वो बताएगा डेटा अवेलेबल है या नहीं है। एक्नॉलेजमेंट अगर ये आई कि आप सेंड कर सकते हो या रीड कर सकते हो डेटा को, तो आप कर सकते हो। नहीं हुई तो कनेक्शन भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और साथ में रिक्वेस्ट भी क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको उस डायग्राम और इस एग्जांपल से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।